आपको कितने टाइप ऑफ ऑयस्टर मशरूम्स के बारे में पता है? आज हम इस वीडियो में टोटल 8 टाइप ऑफ ऑयस्टर मशरूम्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो भी नए लोग ओयस्टर मशरूम बिजनेस में आते हैं, उन्हें ये तो पता होता है कि ओयस्टर मशरूम के कुछ टाइप्स होते हैं। अब वो जिनके भी गाइडेंस में स्टार्ट करते हैं, जिनके भी रेफरेंस से स्टार्ट करते हैं, या फिर जिनसे भी ट्रेनिंग लेते हैं, उन्होंने जिस तरीके से सिखाया उस तरीके से, या फिर नॉर्मली जो नए लोग होते हैं ना, वो ओयस्टर मशरूम के कलर के हिसाब से उसको खुद ही नाम दे देते हैं। जैसे ये व्हाइट दिख रहा है, ये व्हाइट ओयस्टर, ये येलो दिख रहा है, ये येलो ओयस्टर, ये पिंक दिख रहा है, ये पिंक ओयस्टर, या फिर हमारा जो साजर का जो टाइप ऑफ ओयस्टर मशरूम होता है वो थोड़ा सा ग्रे कलर का होता है, सीमेंट कलर का, डार्क ग्रे कलर का, तो लोग उसको ब्लैक ओयस्टर भी बोल देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम टोटल ये कंफ्यूजन कंप्लीटली क्लियर कर देंगे। हम बात करेंगे टोटल 8 टाइप ऑफ ओयस्टर मशरूम्स की, जिसमें हर एक टाइप का साइंटिफिक नेम, उसका कलर, उसका शेप एंड साइज, उसकी टेस्ट, उसकी डिमांड, उसकी शेल्फ लाइफ, उसको लगने वाला टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शंडे, कृषि जोन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ओयस्टर मशरूम्स, स्टेप बाय स्टेप हर एक टाइप के बारे में डिटेल में बात करते हैं। आते हैं पहले टाइप ऑफ ओयस्टर मशरूम की तरफ, जो बहुत बड़े पैमाने पे हमारे इंडिया में ग्रो भी किया जाता है और कंज्यूम भी किया जाता है। खुद के टेस्ट और न्यूट्रिशन के बारे में उसने बाकी सभी टाइप ऑफ ओयस्टर मशरूम से एक अलग ही अपनी पहचान बना के रखी है, जिसका नाम है प्यूरोटस साजर काजू। आप अगर स्पॉन खरीदते हो तो स्पॉन प्रोवाइडर आपके साजर काजू टाइप ऑफ ओयस्टर मशरूम के प्लास्टिक बैग पे लिख के देगा PSC, यानी कि प्यूरोटस साजर काजू, या फिर सिर्फ साजर काजू भी लिख के दे सकता है। तो साजर काजू को पहचाने कैसे? साजर काजू पहचाना बहुत सिंपल है, सबसे अलग है, उसका कलर है ना सीमेंट कलर का होता है। डार्क सीमेंट कलर भी हो सकता है, लाइट सीमेंट कलर भी हो सकता है। तो जो आपको सीमेंट यानी कि ग्रे कलर का दिखेगा मशरूम, वो हो गया ओयस्टर मशरूम, वो हो गया आपका प्यूरोटस साजर काजू। अब इसके कलर की वजह से, मतलब बाकी के जो टाइप ऑफ ओयस्टर मशरूम्स है वो थोड़े से व्हाइट दिखते हैं, उनके कलर से वो थोड़े से अट्रैक्टिव दिखते हैं, उसके मुकाबले थोड़ा सा ये दिखने के लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता, बस कलर की वजह से। तो जो नए लोग होते हैं जिन्होंने कभी ओयस्टर मशरूम खाया नहीं है, या फिर बहुत ही नए हैं ओयस्टर मशरूम के बारे में, तो वो थोड़े से ओयस्टर मशरूम का साजर काजू टाइप खरीदने के लिए कतराते हैं, क्योंकि उनको साजर काजू के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कतराते हैं नए लोग। लेकिन अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो जो ऑलरेडी कंज्यूमर है ओयस्टर मशरूम के, जिन्होंने साजर काजू भी खाया है और बाकी के टाइप भी खाया है, तो वो प्रीफर करते हैं साजर काजू। क्यों? क्योंकि साजर काजू की जो टेस्ट है वो बाकी सभी टाइप ऑफ ओयस्टर मशरूम से सबसे बेहतरीन है, और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी होती है बाकी टाइप ऑफ ओयस्टर मशरूम से। साजर काजू और बाकी के जो टाइप्स ऑफ ओयस्टर मशरूम से, उनमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि साजर काजू का जो स्टेम है, आपने ओयस्टर मशरूम देखा, उसमें उसको एक लीव होती है, उसके नीचे एक डंठल होता है, तो जो डंठल होता है वो साजर काजू का सब्जी में आप डाल सकते हैं, वो सब्जी में पक जाता है और खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन बाकी के जो टाइप्स ऑफ ओयस्टर मशरूम्स होते हैं, उनके जो डंठल होते हैं वो सब्जी में पकते नहीं है, तो उनके साथ वो प्रॉब्लम है। लेकिन साजर काजू का जो डंठल है वो सब्जी में पक जाता है, आप बेच भी सकते हो और उसका कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। साजर काजू ओयस्टर मशरूम और एक एडवांटेज ग्रोवर को देता है, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बाकी सभी टाइप ऑफ ओयस्टर मशरूम से बहुत बेहतर है। लगभग 3 से 4 दिन आपको मिल जाते हैं साजर काजू ओयस्टर मशरूम बेचने के लिए। फ्रिज में आप 3 से 4 दिन साजर काजू ओयस्टर मशरूम को रख सकते हो, और जैसे ही आपको ऑर्डर आते हैं तब आप उसको पैक करके मार्केट में प्लेस करके उसको बेच सकते हो। साजर काजू टाइप ऑफ ओयस्टर मशरूम को टेम्परेचर अराउंड 22-28 डिग्री सेल्सियस लगता है, और ह्यूमिडिटी अराउंड 60-80% के बीच में लगता है। तो ये था साजर काजू टाइप ऑफ ओयस्टर मशरूम्स। आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप ऑफ ओयस्टर मशरूम की तरफ, जिसका नाम है प्यूरोटस फ्लोरिडा। जिससे भी आप ओयस्टर मशरूम का स्पॉन खरीदोगे, यानी कि फ्लोरिडा का स्पॉन खरीदोगे, वो आपके स्पॉन बैग पे PF यानी कि प्यूरोटस फ्लोरिडा लिख के देगा, या फिर वो सिर्फ फ्लोरिडा भी लिख के दे सकता है। प्यूरोटस फ्लोरिडा सबसे अट्रैक्टिव दिखता है, एकदम व्हाइट, एकदम अट्रैक्टिव दिखता है, लेकिन उसके साथ साथ वो खुद का एक डिसएडवांटेज भी लाता है। अट्रैक्टिव दिखता है तो लोग जल्दी उसको खरीद लेते हैं, क्योंकि बहुत व्हाइट दिखता है, बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, तो तुरंत लोग खरीदने के लिए, नए लोग तो तुरंत खरीद लेते हैं।
उसके साथ वो एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये लेके आता है कि उसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ एक या दो दिन की ही होती है। फ्रिज में आप उसको एक या दो दिन ही रख सकते हो, तीसरे दिन वो थोड़ा सा मुरझा जाएगा, उतना फ्रेश आपको दिखेगा नहीं जितना अट्रैक्टिव है। उसके साथ उसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज वो लेके आता है। टेस्ट की अगर बात करते तो साजर काजू इतना टेस्टी नहीं है, लेकिन टेस्टी है, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो टेस्टी ही नहीं है, टेस्टी है। और अगर आप बात ही करते हो टेस्ट के डिफरेंस में, तो साजर काजू मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ डिफरेंस आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये साजर का जो टेस्ट लगता है थोड़ा सा कम टेस्टी लगता है, लेकिन टेस्टी ही होता है। जैसे हमने बात करी थी साजर काजू का स्टेम सब्जी में पक जाता है, वैसे फ्लोरिडा का स्टेम सब्जी में पकता नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो नए लोग ऑयस्टर मशरूम बिजनेस में आते हैं उनको खुद के लिए, और जो मार्केट बना रहे हैं, नया मार्केट बना रहे हैं, उन्होंने एक पहली चीज़ तो फ्लोरिडा का आपको स्टेम या तो बेचना ही नहीं है कस्टमर को, क्योंकि क्या होगा कि आपने कस्टमर को स्टेम बेचा, कस्टमर क्या करता है वो स्टेम भी सब्जी में डाल देता है, तो स्टेम वो पहली बार जब खाता है तो उसको स्टेम चेविंग गम जैसे लगता है और वो सेकंड टाइम खरीदने को प्रिफेर नहीं करता है। उसके मशरूम उसको लगता है कि ये सही नहीं है, चेविंग गम जैसे लगता है, इस तरीके का वो रीजन दे सकता है। इसलिए या तो स्टेम आप उसको बेचो ही मत, या फिर अगर आप बेच रहे हो तो उसको अवेयर कराओ कि भाई स्टेम सब्जी में नहीं डालना है, स्टेम आपको रिमूव कर देना है। तो बेहतर रहेगा कि आप ही बेचो मत, उसको अवेयर कराना वो डालेगा नहीं डालेगा तो वो डिफरेंट चीज रहेगी, आप बेचो ही मत, ताकि उसका निगेटिव इंपैक्ट शुरुआत में नहीं गिरेगा। और जैसे ही आपका कस्टमर अवेयर हो जाता है, आप एस्टेब्लिश हो जाते हो, तो फिर धीरे धीरे आप लोगों को अवेयर करा सकते हो कि ये साजर काजू है, ये फ्लोरिडा है, तो साजर काजू का खा सकते हो, फ्लोरिडा का नहीं खा सकते क्योंकि वो सब्जी में पकता नहीं है। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करते हैं फ्लोरिडा के लिए भी, तो सेम जैसे साजर काजू के लिए 22-28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 60-80% ह्यूमिडिटी। ये था सेकंड टाइप ऑफ ऑयस्टर मशरूम फ्लोरिडा। आगे बढ़ते हैं तीसरी टाइप ऑफ ऑयस्टर मशरूम की तरफ, जिसको हम ब्लू ऑयस्टर बोलते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में, प्लूरोटस ऑस्ट्रेटस एंड प्लूरोटस कोलम्बिनस, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम ब्लू ऑयस्टर बोलते हैं तो तुरंत ही लोग बोलते हैं कि ये प्लूरोटस ऑस्ट्रेटस है, लेकिन ब्लू ऑयस्टर प्लूरोटस ऑस्ट्रेटस नहीं है। ब्लू ऑयस्टर यानी कि प्लूरोटस कोलम्बिनस है, उसका साइंटिफिक नेम अगर हम बात करते हैं ब्लू ऑयस्टर की, तो उसका साइंटिफिक नेम है प्लूरोटस कोलम्बिनस। ये बहुत लोगों को नहीं पता है और बहुत ही लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं भी कंफ्यूज था, लेकिन मैंने जब रिसर्च किया लास्ट में, इस वीडियो के एंड तक ये कंफ्यूजन कंप्लीटली क्लियर कर देते हैं। लेकिन अभी बात कर लेते हैं ब्लू ऑयस्टर की। ब्लू ऑयस्टर को इसलिए ब्लू ऑयस्टर बोला जाता है क्योंकि उसके जो पिनहेड्स होते हैं वो शुरुआत में ब्लू आते हैं, और जैसे ही वो मशरूम बड़ा होता है तो वो पिनहेड ब्लू से फेंट ग्रे कलर का होता है, फेंट ग्रे कलर का होता है, व्हाइट नहीं होता है। तो यह है प्लूरोटस कोलम्बिनस, शुरुआत में पिनहेड ब्लू आते हैं और बाद में वो फेंट ग्रे कलर का होता है। लोग बोलते हैं कि सर आपने ब्लू मशरूम करके भेजा, शुरुआत में इसके पिनहेड तो ब्लू आ गए, लेकिन ये साजर काजू जैसे ग्रे हो गया है, लेकिन वो साजर काजू नहीं है। पिनहेड ब्लू आते हैं लेकिन बाद में वो फेंट ग्रे कलर का हो जाता है, ये प्लूरोटस कोलम्बिनस है। ओके, आप जिससे भी स्पॉन खरीदोगे वो आपको ब्लू ऑयस्टर लिख के देगा आपके स्पॉन बैग पे, लेकिन प्लूरोटस कोलम्बिनस पीसी शायद बहुत कम लिख के देंगे, क्योंकि शायद उनको भी इसके बारे में नहीं पता होगा, हो सकता है, या फिर ज़्यादातर लोग आपको ब्लू ऑयस्टर ही लिख के देते हैं। अगर हम बात करते हैं टेस्ट की, तो लगभग जैसे फ्लोरिडा की टेस्ट लगती है उसी तरीके से आपको टेस्ट लगेगी ब्लू ऑयस्टर की। और बात करते हैं डंटल की, तो डंटल भी सब्जी में पकता नहीं, जैसे फ्लोरिडा का नहीं पकता वैसे ब्लू ऑयस्टर का भी नहीं पकता है। फ्लोरिडा से एक छोटा सा एडवांटेज आपको ब्लू ऑयस्टर में ये मिल जाता है कि ब्लू ऑयस्टर लगभग 2-3 दिन फ्रिज में उसकी शेल्फ लाइफ रह जाती है, मतलब उसको 2-3 दिन आप फ्रिज में रख सकते हो और फिर डिमांड के अनुसार आप उसको पैकेजिंग करके मार्केट में प्लेस करके बेच सकते हो। तो फ्लोरिडा की लगभग 1-2 दिन की शेल्फ लाइफ थी, आपको ब्लू ऑयस्टर की लगभग 2-3 दिन आपको उसकी शेल्फ लाइफ मिलती है, तो ये एक छोटा सा एडवांटेज है। और टेम्परेचर की अगर हम बात करते तो ब्लू ऑयस्टर खुद के टेम्परेचर बेयरिंग कैपेसिटी के लिए पहचाना जाता है। आप समर में बहुत से लोग ब्लू ऑयस्टर को प्रेफर करते हैं कल्टीवेट करना, क्योंकि अगर आपके शेड का टेम्परेचर समर में 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जा रहा है, 32-34 ऐसे जा रहा है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि आपके शेड का टेम्परेचर 24 घंटे 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो ब्लू ऑयस्टर भी कल्टीवेट नहीं होगा। बहुत थोड़े समय के लिए, हार्डली बोल सकते हो 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए अगर 30 से अबव जा रहा है, बाकी उसके अलावा बाकी के टाइम में आपने कंट्रोल कराया 30 के नीचे तो ही ऐसा। इसका अर्थ ये नहीं कि
24 घंटे अगर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा तो आपका ब्लू ऑयस्टर भी कल्टीवेट नहीं होगा। टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी अच्छी है, इसका अर्थ यह है कि थोड़े से टाइम के लिए आपका आपके शेड का टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है, तो टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी अच्छी है, ह्यूमिडिटी सेम 60-80%। तो ये हमने तीसरा टाइप ऑफ ऑयस्टर मशरूम देखा जिसको हम ब्लू ऑयस्टर या फिर प्लूरोटस कोलंबिनस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं पिंक ऑयस्टर की तरफ। पिंक ऑयस्टर के शुरुआत में पिनहेड पिंक आते हैं और बाद में भी वो पिंक ही होता है, उसके कलर के हिसाब से उसको पिंक ऑयस्टर बोलते हैं, लेकिन उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लूरोटस डिजामोर, प्लूरोटस डिजामोर। अभी इसमें एक सवाल बाकी लोगों का आता है कि सर हमने पिंक ऑयस्टर ग्रो किया, शुरुआत में तो उसके पिनहेड पिंक थे, लेकिन धीरे धीरे जैसा वो बड़ा हुआ तो उसका कलर फेंट होके लगभग वो व्हाइट होते आया है, तो ये क्यों होता है? तो शुरुआत में पिनहेड तो पिंक आते हैं, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसका कलर फेंट इस वजह से होता है क्योंकि आपके शेड में जो इनडायरेक्ट सनलाइट आती है वो बहुत ज़्यादा आती है। अगर आपके शेड में इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है तो उसका कलर फेंट होगा, और अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रही है ना इनडायरेक्ट दरवाजे के जहाँ दरवाजा है वही अगर आपका मशरूम बाहर निकल आया तो लगभग वो कम्प्लीटली व्हाइट हो जाएगा, बाद में आपको पिंक जरा भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपके शेड में अगर कम्प्लीटली डार्कनेस है, आपने बहुत अच्छा डार्कनेस मेंटेन करके रखा है, तो आपके पिंक ऑयस्टर का जो कलर है वो कम्प्लीटली पिंक ही रहेगा, उसका कलर फेंट नहीं होगा, कलर उड़ेगा नहीं। तो कलर के हिसाब से मतलब पिंक ऑयस्टर में जो कलर फेंट हो जाता है ये इसी की वजह से, इनडायरेक्ट सनलाइट जिस तरीके से आप दे रहे हो उसी हिसाब से उसका कलर रहता है। अगर बात करते हैं पिंक ऑयस्टर के टेस्ट की तो लगभग ब्लू ऑयस्टर फ्लोरिडा जैसे ही इसकी टेस्ट है, और इसकी शेल्फ लाइफ भी लगभग 2-3 दिन आपको मिल जाती है, 2-3 दिन आप आसानी से इसको मार्केट में बेच सकते हो। इसका भी डंटल सब्जी में पकता नहीं है, तो एक तो आपको इसको सब्जी में डालना नहीं है या फिर कस्टमर को उसी हिसाब से अवेयर करा लो। इसका कलर पिंक होता है, यानी कि लेडीज लोगों का ये फेवरेट कलर होता है, इसके वजह से लेडीज लोग इसको बहुत जल्दी खरीद लेते हैं, तो और दिखने के लिए भी पिंक कलर बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, तो बोल सकते हो बहुत जल्दी बिक जाता है, तो डिमांड भी इसकी उसके अट्रैक्टिवनेस की वजह से अच्छी होती है। और टेम्परेचर की बात करते हैं तो सेम 22-28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी 60-80% ही इसको चाहिए। तो हमने चार ऑयस्टर मशरूम डिस्कस करे, अभी चौथा था पिंक ऑयस्टर। आगे बढ़ते हैं येलो ऑयस्टर की तरफ, फिफ्थ टाइप ऑफ ऑयस्टर मशरूम्स। येलो ऑयस्टर और पिंक ऑयस्टर कैरेक्टरिस्टिक ऑलमोस्ट सेम है, बस येलो ऑयस्टर येलो कलर का होता है, पिनहेड भी येलो कलर के होते हैं, बड़ा होने के बाद भी वो येलो ही दिखता है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा आ रही है तो वो भी फेंट हो सकता है। येलो कलर का जो साइंटिफिक नेम है वो प्लूरोटस सिट्रिनोप्लूटस, प्लूरोटस सिट्रिनोप्लूटस उसका साइंटिफिक नेम है, और इसकी भी टेस्ट लगभग पिंक जैसी ही लगेगी, इसका भी डंटल सब्जी में पकता नहीं है, शेल्फ लाइफ लगभग 2-3 दिन, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी भी उतनी ही 22-28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी 60-80%। आगे बढ़ते हैं सिक्स टाइप ऑफ ऑयस्टर मशरूम्स जिसका नाम है किंग ऑयस्टर। किंग ऑयस्टर का साइंटिफिक नेम है प्लूरोटस इरिंगी, प्लूरोटस इरिंगी। अभी आपने देखा होगा कि बाकी के जो टाइप ऑफ ऑयस्टर मशरूम्स है वो थोड़े से उनके लीव्स होते हैं, उनका डंटल होता है, लेकिन ये जो किंग ऑयस्टर है ये थोड़ा सा आपको मिल्की मशरूम जैसे दिखता है, इसको एक बड़ा डंटल होता है और उसके ऊपर एक कैप होती है, उसकी कैप जो ग्रे कलर की होती है उसका डंटल लगभग व्हाइट कलर का होता है, और किंग ऑयस्टर को जो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट है वो लगभग इस तरीके से है कि इसकी टेम्परेचर अराउंड 14-18 डिग्री सेल्सियस की इसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। मतलब या तो अगर आप बहुत ठंडी जगह हो जहाँ टेम्परेचर 14-18 डिग्री सेल्सियस तो है तो वहाँ आप कल्टीवेट कर सकते हो, या फिर आपको एसी लगानी पड़ेगी अगर आप किंग ऑयस्टर का कल्टीवेशन करना चाहते हो तो, और ह्यूमिडिटी 60-80%। मैंने इसका कल्टीवेशन अभी तक किया नहीं है तो ज़्यादा जानकारी मुझे है नहीं। इसकी टेस्ट लगभग आपको या तो मिल्की मशरूम जैसे या फिर बाकी के टाइप ऑफ ऑयस्टर मशरूम जैसे ही लगेगी। शेल्फ लाइफ भी लगभग इसकी 2-3 दिन आसानी से मार्केट में प्लेस करके आप इसको बेच सकते हो। तो ये था किंग ऑयस्टर। आगे बढ़ते हैं सातवें टाइप ऑफ ऑयस्टर मशरूम की तरफ जिसका नाम है ई एल एम ऑयस्टर मशरूम। एक्चुअली ई एल एम का जो साइंटिफिक नेम है वो है हिप्सीजाइगस अल्मेरिस। आपने देखा होगा अभी तक जितने भी हमने ऑयस्टर मशरूम के साइंटिफिक नेम देखे वो प्लूरोटस से स्टार्ट हो रहे थे, प्लूरोटस स्पीसीज से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो हिप्सीजाइगस अल्मेरिस एचयू। अगर जिससे भी आप स्पॉन कर देंगे वो आपको एचयू लिख के देगा या फिर ईएलएम भी लिख के दे सकता है। तो आपने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया होगा कि ईएलएम जो है वो ऑयस्टर मशरूम का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो प्लूरोटस स्पीसीज का ही हिस्सा नहीं है,
वो उसका साइंटिफिक नेम हिप्सीजाइगस अल्मेरिस है। और आप और एक ऑब्जर्वेशन के लिए मैं बताऊंगा, उसके जो गिल्स होते हैं हिप्सीजाइगस अल्मेरिस के ELM के, वो बाकी के टाइप्स ऑफ ऑयस्टर मशरूम से डिफरेंट होता है, लेकिन दिखने के लिए अट्रैक्टिव होता है, कंप्लीटली वाइट होता है। जैसे ही उसका जो लीव होता है वो लीव आगे जाके थोड़ा सा ऐसे कर्व हो जाता है और वो गुच्छे में आता है, और गुच्छे में हर एक जो लीव ऐसे आता है वो दिन कर्व हो जाता है, तो उसका गुच्छा बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल दिखता है। इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो लगभग 2 से 3 दिन होती है। इसकी भी टेस्ट लगभग बाकी के टाइप ऑफ ऑयस्टर मशरूम जैसी ही है, और इसका भी डंठल सब्जी में पकता नहीं है। तो अभी तक हमने 7 टाइप ऑफ ऑयस्टर मशरूम देखे, आगे बढ़ते हैं 8th टाइप ऑफ ऑयस्टर मशरूम जिसका नाम है प्लूरोटस ऑस्ट्रेटस, और जिसका कॉमन नेम है ट्री मशरूम, या फिर मतलब ट्री ऑयस्टर या फिर पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर उसको बोलते हैं। ये एक्चुअली है तो उगाते तो है लोग, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कन्फ्यूजन है लोगों को, ब्लू ऑयस्टर को वो प्लूरोटस ऑस्ट्रेटस बोलते हैं, लेकिन ब्लू ऑयस्टर प्लूरोटस कोलम्बिनस है और पर्ल ऑयस्टर यानी कि प्लूरोटस ऑस्ट्रेटस है। अभी आप अगर आप गूगल पर करते हो और आप रिसर्च करते हो तो गूगल पे भी काफ़ी वेबसाइट पे यही जानकारी है कि ब्लू ऑयस्टर मतलब प्लूरोटस ऑस्ट्रेटस, लेकिन अभी मेजॉरिटी इज़ द लॉ। मैंने जितने भी वेबसाइट रेफर करी और खुद का मेरा जो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है उसको मैंने कंबाइन कर दिया, और जो आइडेंटिफाई किया, जो कंक्लूजन निकल के आया, जो ऑस्ट्रेटस ऑयस्टर होता है वो व्हाइट कलर का होता है, और जो कोलम्बिनस यानी कि ब्लू ऑयस्टर होता है वो फेंट ग्रे कलर का होता है। तो ऑस्ट्रेटस की अगर हम बात करते हैं, जिसको पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है प्लूरोटस ऑस्ट्रेटस, नो कॉमन नेम है ट्री ऑयस्टर या फिर पर्ल ऑयस्टर, दिखने के लिए व्हाइट दिखता है, फ्लोरिडा जैसे ही बोल सकते हो, गुच्छे में आता है और कंप्लीटली व्हाइट होता है, अट्रैक्टिव भी होता है। तो उसी के साथ साथ उसकी टेस्ट लगभग फ्लोरिडा जैसे ही होती है, उसका भी डंठल सब्जी में पकता नहीं है, और इसकी भी जो टेम्परेचर बेयरिंग कैपेसिटी है वो अच्छी होती है। थोड़े बहुत समय के लिए अगर आपके शेड का टेम्परेचर 30 से ज़्यादा जाता है तो चल जाएगा, ह्यूमिडिटी 60-80% होती है, और शेल्फ लाइफ लगभग वही 2 से 3 दिन फ्रिज में रह जाती है। तो अब तक हमने टोटल 8 टाइप ऑफ ऑयस्टर मशरूम्स देख सीखे, उसमें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ कि प्लूरोटस ऑस्ट्रेटस यानी कि ट्री ऑयस्टर, और जो आपका ब्लू ऑयस्टर है वो प्लूरोटस कोलम्बिनस है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल जानकारी मिली होगी, काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी क्लियर हुए होंगे, और जो नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको कहीं से साइंटिफिक ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो से उनको क्लियरली पता चल गया होगा कि कौन से टाइप ऑफ ऑयस्टर मशरूम कैसे दिखता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका कलर, शेप एंड साइज, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सबके बारे में आपको कंप्लीटली जानकारी मिल गई होगी। लेकिन अगर आप बहुत डिटेल में सीखना चाहते हो, ये तो बहुत डिटेल में हो गया, यही कंटेंट हम हमारे ट्रेनिंग सेशन में भी सिखाते हैं, इसके बावजूद हर एक एस्पेक्ट जो होता है ऑयस्टर मशरूम का कमर्शियल लेवल पे जाने के लिए जो नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसके लिए आप हमारे ट्रेनिंग सेशंस को भी रजिस्टर कर सकते हो। हम ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन ट्रेनिंग, मिल्की मशरूम कल्टीवेशन ट्रेनिंग, देन मशरूम का बिजनेस सेटअप कैसे करना, मार्केटिंग कैसे करना, बिजनेस को एस्टैब्लिश कैसे करना, बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे होना, ऑयस्टर मशरूम की ये भी हम डिटेल में ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ हम वर्मी कंपोस्ट बिजनेस ट्रेनिंग भी देते हैं। इन सभी की जानकारी के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारे कस्टमर केयर नंबर 7021370477। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और इस तरीके के वैल्यूएबल वीडियोस हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यह वीडियो पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।